आज क्वेश्चन नंबर टू ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर टू है, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज 3/2. तो हमें पता है ए नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल हमेशा वन होता है जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नंबर और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने से हमें वन मिलना चाहिए. तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू वन. ऐसे तो यहाँ पे नंबर हमारा 2/3 दिया गया है, सो -2/3 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, -1. लास्ट में लिखेंगे सिंस सिंस हियर नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट इक्वल टू 1. सिंस नहीं लिखते हैं, हियर लिख देते हैं डायरेक्ट. हियर नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट इक्वल टू 1. Therefore, 3/2 is not the reciprocal of -2/3. ऐसे लिखेंगे इसको. ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5. वी नो नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 1. सो -1/5 इंटू -5 इक्वल टू 5 कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ 1 आएगा -1, तो -1 इंटू -1 हमारा 1 है. सिंस हियर नंबर इंटू इट्स रेसिप्रोकल is equal to 1, so यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा. हियर से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. हियर नंबर इंटू इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 1, सो -5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5.